तुलबा अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा इंसान की तैयार करदा अशय के बारे में हम मुताला हासिल किए। आज हम मज़ीद इंसान की तैयार करदा अशय के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें प्लास्टिक, उसके इस्तेमाल, किस्में और खसूसियात शामिल हैं। प्लास्टिक मुतशाकुल खासियत रखने वाली और नामियाती पॉलीमर से तैयार होने वाली इंसान की तैयार करदा अशिया को प्लास्टिक कहते हैं। हरारत की बिना पर प्लास्टिक को दो किस्मों में तकसीम किया गया है। नंबर एक, थर्मोप्लास्टिक। जिन प्लास्टिक को मन चाही शक्ल दे दी जाए इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। मसलन पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनका इस्तेमाल खिलौने, कंघी, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक बर्तन वगैरह में किया जाता है। नंबर दो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको एक मर्तबा सांचे में डालकर मखसूस शक्ल दे दी जाए तो वो दोबारा हरारत देने पर इसकी साख्त में तब्दीली नहीं होती है, इसे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसका इस्तेमाल घरों में बिजली के आलात के बटन, हैंडल कुकर के बटन वगैरह में किया जाता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, आइए अब हम प्लास्टिक की खसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करें। खसूसियत नंबर एक, प्लास्टिक को जंग नहीं लगता और प्लास्टिक का तजिया भी नहीं होता। नंबर दो, अगर प्लास्टिक को 1,00,000 साल तक भी रखा जाए तो इसमें न जंग लगता है और ना ही ये सड़ता है। खसूसियत नंबर तीन, प्लास्टिक पर हवा की रुतुबत, हरारत, बारिश का कोई असर नहीं होता है। प्लास्टिक हरारत और बर्क का नाकिस मौसिल होता है। प्लास्टिक वजन में हल्का होने की वजह से नकल हमल में आसानी से आमदरफ होता है। प्लास्टिक की किस्में और उसके इस्तेमाल। नंबर एक, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक नर्म और नाजुक होने की वजह से इस पर दबाव डालने पर ये असल हालत में वापस लौटता है। इस किस्म के प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसका इस्तेमाल मसलन पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बोतलें, बरसाती रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, जूते, बिजली के तार, खिलौने, बिजली के गिलाफ वगैरह में किया जाता है। नंबर दो, पीएस, मुख्तसर सूरत पीएस, पॉलीस्टीरीन। इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर जैसे बर्की आलात, सीडी, डीवीडी के कवरिंग गिलाफ में किया जाता है। नंबर तीन, पीई पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन इसका इस्तेमाल दूध की थैलियाँ, पैकिंग की थैलियाँ, गाड़ी के पुर्जे, पाइप वगैरह में किया जाता है। नंबर चार, पीपी पॉलीप्रीप्लीन। लाउडस्पीकर, सवारियों के हिस्से, चटाई, तजर्बाकार के आलात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर दो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये प्लास्टिक सख्त, ठोस और आसानी से न दबने वाला प्लास्टिक कहलाता है। नंबर एक, इसी खसूसियत बेकेलाइट। बेकेलाइट इसका इस्तेमाल रेडियो, टीवी, टेलीफोन के कैबिनेट, हैंडल का गिलाफ, खिलौने और घरेलू अशिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर दो, मेलेमाइन। मेलेमाइन ये प्लास्टिक कफ, तश्तरियाँ, रेकाबी, हवाई जहाज़ की पुर्जें, बरकी मुजाहमत का गिलाफ और घरेलू आलात के लिए इस्तेमाल किया जाता है।